किया मोटर्स की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सोनेट का ग्लोबल प्रीमियर हाल ही में किया गया। जल्दी इस कार को भारत में लॉन्च किया जाएगा। सोनेट के आने के बाद सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सेल्टोस और कार्निवल के बाद सोनेट किया मोटर्स की तीसरी गाड़ी होगी। वहीं इसका नजदीकी मुकाबला हुंडई वेन्यू से होगा, क्योंकि दोनों ही कार्स में एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। सोनेट ने कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो इस सेगमेंट की बाकी दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते। टाटा नेक्सॉन, मारुति विटारा ब्रेजा, फोर्ड इको स्पोर्ट और महिंद्रा एक्सयूवी। सो आइए जानते हैं ऐसे कौन से खास फीचर्स हैं इस कार में जो आपको मिल रहे हैं, जो प्रीमियर हैं, जो लग्जरी फीलिंग आपको देंगे और इसे बाकी कारों से अलग बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नई किया सोनेट में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए इस सेगमेंट में पहली बार वेंटिलेटेड सीटें दी जाएंगी। ये फीचर फिलहाल सेल्टोस और क्रेटा में ही मिलता है, यहाँ तक कि वेन्यू में भी कंपनी ने ये फीचर नहीं दिया। मैनुअल वेरिएंट्स में रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप। हुंडई वेन्यू में भी रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है, लेकिन कंपनी इसे ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन यानी DCT वेरिएंट में ही प्रोवाइड कराती है। लेकिन सोनेट के मैनुअल IMT यानी कि क्लच लेस मैनुअल और DCT गियर बॉक्स वाले वेरिएंट्स में भी ये फीचर आपको मिलने वाला है। LED हेडलैम्प्स, हालांकि वेन्यू में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED DRLs के साथ आती है, लेकिन किया सोनेट में क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। LED हेडलैम्प्स मौजूदा होलोजन और प्रोजेक्टर हेडलैम्प से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं और एक अच्छी लुक देते हैं। इसके अलावा फंक्शनली भी उनसे अच्छे होते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इस सेगमेंट में केवल महिंद्रा XUV 300 में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का फीचर मिलता है। वही हुंडई वेन्यू भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ नहीं आती। महिंद्रा XUV 300 के बाद किया सोनेट दूसरी ऐसी SUV है जिसमें ये फीचर आपको मिलता है। हुंडई वेन्यू में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो किया सेल्टोस से ही लिया गया है। कंपनी ने इस इंजन को बेहतर माइलेज देने के लिए डीट्यून किया है। किया सोनेट में भी ये इंजन मिलेगा, लेकिन इसे टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही उतारा जाएगा। वहीं वेन्यू में यह केवल स्टैंडर्ड 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही आता है। किया सोनेट में भी हुंडई वेन्यू की तरह UVO कनेक्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें कई शानदार रिमोट ऑपरेशन फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें आप अपने मोबाइल फोन से ही कार के AC इंजन और हेडलैम्प्स को बंद कर सकते हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन समेत दूसरी सब कॉम्पैक्ट SUV में भी यह फीचर नहीं मिलता। क्लच लेस मैनुअल गियर बॉक्स, हाल ही में हुंडई वेन्यू को इस फीचर के साथ लॉन्च किया गया था, जो अब किया सोनेट में भी आपको मिलने वाला है। इस फीचर में क्लच नहीं दिया जाएगा, ये फीचर मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच हाइब्रिड होगा। जो लोग अपने बाएं पैर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन मैनुअल गियरबॉक्स का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। इन दोनों कारों के अलावा बाकी किसी भी SUV में ये फीचर आपको नहीं मिलता। 6 एयरबैग्स, हालांकि सोनेट और वेन्यू को अभी तक क्रैश टेस्ट में कोई भी रेटिंग नहीं मिली है, जबकि इनके मुकाबले टाटा नेक्सॉन, जो काफ़ी दमदार है, और महिंद्रा XUV जिसने अच्छी रेटिंग्स पाई है NCAP क्रैश टेस्ट में। सोनेट में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स का फीचर मिलने वाला है, जो नेक्सॉन में भी आपको नहीं मिलता। वायरलेस चार्जिंग, किया सोनेट के टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग का फीचर आपको मिलेगा। ये फीचर इससे पहले हुंडई क्रेटा में दिया गया था। वहीं ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो हर वक्त अपने साथ USB केबल को नहीं ले जाना चाहते। इस सेगमेंट में ये फीचर केवल हुंडई वेन्यू में ही मिलता है, वहीं टाटा नेक्सॉन तक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, देखा जाए तो ये कार अपने फीचर्स के लिए बाकी कारों से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं, पर उनके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अपने सेगमेंट में ये कार काफ़ी पॉपुलर और हिट होने वाली है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसी के साथ विदा लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 16